आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ ये काफ़ी कम समय में टेस्टी हेल्दी बनकर तैयार होगी। आपको बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं होगी। जो आपके घर में सिंपल मसाले होते हैं उन्हीं से ये तैयार हो जाएगी और ये आप कभी भी कम भूख लगने पर या फिर मॉर्निंग के नाश्ते में खा सकते हैं। तो चलिए ये कैसे बनती है स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक मीडियम साइज़ में मैं यहाँ पर प्याज ले रही हूँ और यहाँ पर मैंने दो छोटे छोटे टमाटर लिए हैं। आप एक मीडियम साइज प्याज के साथ मीडियम साइज टमाटर ले सकते हैं और ये मैंने ऐसे चॉप कर लिया है। यहाँ पर मैं एक बाउल में बेसन ले रही हूँ और ये 3 चम्मच बेसन है और यहाँ पर मैं टेस्ट के अनुसार नमक डाल दिया है, हल्दी पाउडर डाला है, लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और यहीं पर गरम मसाला और धनिया पाउडर डाल देती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर जो हमने टमाटर और प्याज को काट लिया था, चॉप कर लिया था, उसको डाल देंगे। ये यहाँ पर देखिए मैं ये टमाटर और प्याज डाल रही हूँ। यहीं पर मैं अब टेस्ट के अनुसार हरी मिर्च डालूंगी। आपको जितना तीखा पसंद है आप उतना डालिए, अगर नहीं तीखा खाना है तो स्किप कर सकते हैं हरी मिर्च को। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है हरा धनिया। हरे धनिया से इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। आप जिन लोगों को पसंद नहीं है स्किप कर सकते हैं और जिन लोगों को पसंद है वो ज़्यादा सा हरा धनिया डालिए तो काफ़ी टेस्टी लगेगा। ये आपका बनकर चीला जो तैयार होगा। अब यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसके बैटर को अच्छे से तैयार कर दूंगी और ये देखिए जैसे मैंने बनाया है वैसे ही तैयार करना है। आपको ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। अब ये हमारा एकदम मिक्सचर तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैंने गैस पर तवे को गर्म किया है और मैंने काफ़ी सारा देसी घी डाल लिया है इस पर। आपको अगर ज़्यादा देसी घी नहीं डालना है तो आप हल्का सा बस तवे पर मतलब चिकना कर लीजिए और उसके बाद में ये पेस्ट तवे पर फैलाइए अच्छे से और ये देखिए पलट दीजिए। देखा आपने कि ये कितनी ही आसानी से बनकर तैयार हो गया है और इसमें हमने ज़्यादा मसाले भी यूज नहीं किए हैं। जो घर में एक आम सब्जी बनाने के लिए होते हैं वो ही मसाले यूज किए हैं और ये देखिए हमारा चीला बनकर तैयार हो गया है। देखने में काफ़ी अच्छा है और आप इसे किसी भी चटनी और सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं और काफ़ी कम समय में इसे बना सकते हैं। तो कैसे लगी आपको ये हमारी रेसिपी हमें ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं ऐसी ही आसान टेस्टी और हेल्दी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।